तो सबसे ज्यादा हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसमें हमें दिखेगा कि कौन कौन से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी 99% आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है वो यहां से रहेंगे। सेमेस्टर का पूरा जैसे यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं या जैसे भी हमने पढ़ा है, वो एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम के साथ हमने पूरा का पूरा क्या किया, आपको एक्सप्लेनेशन किया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सोनू कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने सेमेस्टर सेकेंड्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर, जिसमें हमें दिखेगा कि कौन कौन से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी 99% आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है वो यहां से रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारा पहला क्वेश्चंस क्या रहेगा। स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके ऐप में, संभव के ऐप में है, वहां पर आपको मिलेगी, और यहां यूट्यूब पे ऊपर या फिर इससे ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या है, फ्री में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में जाइएगा, वहां पर फ्री कंटेंट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर ये सारी जानकारियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहां पर आज की बात करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनने की संभावना यही रहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या-क्या अंतर देखने को मिलता है। तो आपके सामने सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक की सेल्स है, इसको समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस आपको कहां पर देखने को ज्यादातर देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसके बाहर की स्ट्रक्चर्स के अंदर बात करोगे तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले बाहर की तरफ एक फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स होती है वो यहां पर देखने को मिलती है। यानी टोटली बात कहूं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फ्लैजिला मिलता है। अब फ्लैजिला क्या होता है, ये स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि एक बाहर की तरफ आउटर फाइबर धागे नुमा स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है, जिससे एक सेल से दूसरे या एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से चलने के अंदर सहायता करता है, वहां पर रुकने में सहायता करता है। उसके बाद में आपके पास यहां पर स्ट्रक्चर्स दिख रही होगी छोटी छोटी, जिसे हम फेम्ब्री कहते हैं। ये फेम्ब्री क्या है कि पूरी बॉडी के चारों तरफ आपके पास यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आपके पास एक यहां पर एक आउटर लेयर दिखाई दे रही है, जिसे आपको क्या कहना है, कैप्सूल के नाम से है वो इनको जाना जाता है। और कैप्सूल के जस्ट नीचे ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, यानी कहूं ब्राउन कलर की जो भी लेयर बनी हुई है, उसे आप क्या कहते हो, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसे आप सेल वॉल्स कहते हो। और सेल वॉल्स नॉर्मली किस किस की बनी होती है उसके ऊपर हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। फिर सेल वॉल के बाद में आपके पास यहां पर क्रोमोसोमल डीएनए देखने को मिलेगा। और क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है, एक आपके दागेनुमा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट से रहता है। और ध्यान रखना यहां पर आपका प्लाज्मिड डीएनए, यानी टोटल कहूं तो ये प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कभी फोटोसिंथेसिस करने का काम होता है, वो भी यहां पर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी प्लाज्मिड्स फोटोसिंथेसिस करने का काम रहे, राइबोसोम्स है, वो राइबोसोम आपको यहां पर कितना मिलेगा, 70S राइबोसोम्स है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद सेल वॉल के जस्ट नीचे ये व्हाइट कलर की लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर हम कंप्लीटली स्टडी के ऊपर अभी बात करेंगे। और बीच का मटेरियल आपका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसी साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोमल डीएनए रहता है और प्लाज्मिड डीएनए रहता है। अगर टोटली देखा जाए तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में टोटल कितने डीएनए हैं, तो ध्यान रखना एक वो डीएनए जो यहां पर क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से जाना जाता है, और दूसरा वो जो प्लाज्मिड डीएनए के रूप में जाना जाता है। और एक चीज यहां पर आपने नोट की होगी कि आपको कोई भी न्यूक्लियस पार्ट यहां नहीं दिखा होगा, या कहें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स मान के चलिए सेल्स है जिसमें आपको न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती, यानी न्यूक्लियस आपको नहीं दिखाई देगा।
इसके साथ साथ आपको यहां पर और कोई भी, जैसे राइबोसोम को छोड़ दीजिए, और कोई भी जैसे हो माइटोकॉन्ड्रिया हो, इसके साथ साथ प्रोक्सीसोम्स हो, लाइसोसोम्स हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स है वो यहां पर क्या है आपको एब्सेंट देखने को मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हुई आपकी कौन सी सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। एक बार दोबारा देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरियल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया का फ्लैजिलम्स आपको बाहर की तरफ स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ साथ इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, एक सेल वॉल्स के बाहर एक आवरण प्रेजेंट रहता है जिसे आप क्या कहते हो कैप्सूल्स कहते हो, और जस्ट सेल वॉल के नीचे आपके पास क्या रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वही चीज आपका क्या होता है न्यूक्लियोइड डीएनए यानी क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक नाम एक्स्ट्रा आया है यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आया है यहां पर क्या मीजोसोम्स। जैसे अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है, और वही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है एनर्जी को प्रोडक्शन करने का काम है वो यहां पर करती है, यानी टोटल देखा जाए तो वो आपको क्या प्रोवाइड करती है एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या चीज है कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन प्रेजेंट होता है आपका मीजोसोम्स प्रेजेंट रहता है। यहां पर राइबोसोम्स होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके 70S राइबोसोम्स होता है, और बाकी चीजें आपके क्या प्रेजेंट रहती है यहां पर साइटोप्लाज्म है वो यहां पर आपका प्रेजेंट रहता ही रहता है। तो ये एक ओवरव्यू हमने देखा किसका प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब बात करते हैं हम टोटली आगे चलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती है, किस तरह की दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करूंगा स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा यूकैरियोटिक सेल्स में कि यहां पर सबसे पहला पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में मिड पार्ट के अंदर इस जगह पर क्या प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहां पर एक कवरिंग की होती है यानी एक लेयर प्रेजेंट रहती है, और इसी लेयर्स को आप क्या कहते हो न्यूक्लियर इनवलप कहते हो यानी केंद्रीय आवरण के नाम से जानते हो, केंद्र की मेम्ब्रेन है वो कहते हो यानी केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हो, और इसी केंद्रक झिल्ली में क्या होते हैं स्टूडेंट आपके छोटे छोटे यहां पर पोर प्रेजेंट रहते हैं, यानी आपके पोर यहां भी प्रेजेंट है, यहां छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो उन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर की सहायता से आपका क्या किया जाता है कि जो न्यूक्लियस में आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है, या जिन मेटेरियल की जरूरत न्यूक्लियस में होती है तो वो न्यूक्लियर पोर की सहायता से यानी केंद्रक छिद्र की सहायता से साइटोप्लाज्म से कहां आते हैं केंद्रक में आते हैं, और केंद्रक से चीज की जरूरत अगर कोशिका द्रव्य में होती है तो इन्हीं न्यूक्लियर पोर की सहायता से कहां पहुंचते हैं आपको साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं। उसके बाद में न्यूक्लियर पोर होने के बाद में आपके पास आता है कौन सा न्यूक्लियोलस, आपको यहां पर अच्छे तरीके से एक चीज दिखाई दे रही होगी बीच के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जो क्या होती है न्यूक्लियस का सबसे सबसे छोटा छोटा भाग होता है उसे आप क्या कहते हो न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के नाम से जानते हो। और उसके बाद में यहां पर लिखा है क्रोमेटिन डीएनए यानी कि आपको यहां पर देखिए बीच बीच में ये रेड कलर के धागे नुमा स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट रहेगी, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है इनको आप किस नाम से जानते हो क्रोमेटिन डीएनए के नाम से वो जानते हो, यानी यहां पर आपका न्यूक्लियस में क्या सेव रहता है डीएनए प्रेजेंट रहता है। आ रही होगी बात समझ में, यानी ये वही डीएनए है जो क्या करता है आपका यानी किस किस से मिला है आपका, एक तो मिला होता है नाइट्रोजन बेस से, दूसरा आपके पास किससे मिलकर बना होता है यहां पर आपकी पेंटोज सुगर से मिलकर बना है, और तीसरा आपका किसके मिलकर बना है यहां पर फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए ये होने के बाद में फिर से इसके ऊपर आते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा कि इसमें क्या क्या है, यहां पर सिंगल राइबोसोम यानी कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो रहते हैं, यानी यूकैरियोटिक सेल्स है तो यहां पर लिखूं कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो राइबोसोम्स कौन सा होता है आपके पास, यहां पर 18S राइबोसोम है
वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कौन सा राइबोसोम होगा? 18S राइबोसोम से वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ और क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना इसमें अलग अलग प्रकार की वेसिकल्स बनती है, यानी हिंदी में कहूं तो यहां पर क्या बनती है, अलग अलग प्रकार की रिक्तिकाएं हैं वो यहां पर फॉर्मेशन होती है। उसके साथ साथ यहां पर बीच में क्या होता है, वेसिकल्स सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहता है, यानी वेसिकल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होगा वो प्रेजेंट है। फिर इस न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आपको यहां पर क्या दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे आप क्या बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स के नाम से जानते हो। यानी ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और जिस एंडोप्लाज्मिक अंतःपरदेवी जालिका के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है उसी को ही आप किस नाम से जानते हो, यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो कहते हो, यानी कि किस नाम से, RER के नाम से है वो यहां पर जाना जाता है। और एक चीज और सुनिएगा स्टूडेंट्स कि जिस ER के ऊपर, जैसे यहां पर हमारे पास ER है, यहां पर हमें कोई भी राइबोसोम नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ ER कहेंगे, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर हमारे पास कोई राइबोसोम नहीं है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्मूथ ER दे दिया, जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसे हमने क्या नाम दिया, रफ ER कहा है। फिर उसके बाद में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम्स था, उसकी जगह पर यहां पर क्या हो गया आपका, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ER के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इसके साथ साथ ये जो सेल वॉल येलो कलर वाली लाइन है उसे आप क्या बोलोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हो। रेड कलर का जो आउटर लाइन आपको दिख रहा है वो आपका सेल वॉल्स है, और बीच का मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हो, और उसी के जस्ट नीचे यहां पर ये जो सिस्टम प्रेजेंट है ये क्या है, आपका गोल्जी बॉडी है। इसी गोल्जी बॉडी के अंदर मैं बात करूं तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पास वाली गोल्जी होती है उसे हम किस गोल्जी के नाम से जानते हैं, उसे हम सिस गोल्जी कहते हैं। उसके बाद में दूसरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहां पर मिड गोल्जी के नाम से जाना जाता है, और लास्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहां पर ट्रांस गोल्जी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देना, सबसे बीच का पार्ट होता है वो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ER के पास क्या होती है, आपकी गोल्जी बॉडी होती है, और कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया यहां प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ और कुछ क्या होते हैं, को फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होती है, और पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, जो क्या करते हैं आपको पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन बनाने का काम है वो यहां पर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किया जाता है। तो ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया है कि हमारे पास कैसी कैसी चीजें प्रेजेंट रहती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अगर वहां से चीजें समझ में नहीं आई है तो यहां से समझिएगा कि यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले कि जो न्यूक्लियस के बाहर होती है एक आवरण बना होता है उसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं सॉरी। इसके बीच का यहां पर देखिए ये पोर बना है, यहां पोर बना है, यहां पोर बना है, यहां छोटा सा छिद्र बना है, तो इस छिद्र को हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रक छिद्र के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद में क्रोमेटिन्स न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर यहां पर क्या होता है आपके पास धागे नुमा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे आप DNA कहते हो, और इस न्यूक्लियस के बीच में आपके पास क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। फिर वही चीज कि इस जस्ट न्यूक्लियस के जस्ट पास में हमारे पास कौन मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स पाई जाती है, जो हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहां पर देखने को मिलती है। साथ साथ में प्रोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट से रहते हैं, साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट, प्लांट की सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। अभी हमने कुछ देर पहले यहां पर बात की तो ये कौन सी सेल थी, एनिमल की सेल थी, इसलिए इनमें यहां पर क्या था आपका माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स है वो यहां पर सबसे ज्यादा थी। यहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट है और जो ये पिग ये
जो पिंक कलर की लाइन यहाँ दिख रही है आपको, वो कौन सा है आपकी सेल है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए एक ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है। फिर इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है आपको, ग्लाइकोसोम्स यानी ग्लाइकोसोम्स प्रेजेंट रहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा की जो लेमिना होती है वो प्रेजेंट रहता है, और कुछ यहाँ पर रिक्तिकाएं होती है यानी जो प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो सेल्स का पार्ट होता है वो किसका होता है, रिक्तिकाओं का बना, वैक्यूल्स का बना होता है यानी वेसिकल्स का बना होता है, जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थ को या अनेक प्रकार के फूड मटेरियल को क्या किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो ये हमने एक ओवरव्यू के रूप में हमने देख लिया। साथ में ध्यान दीजिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। जो राइबोसोम्स आपके ER के साथ जुड़े रहते हैं उन्हें हम बाइंड राइबोसोम्स कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं, जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फ्री राइबोसोम्स के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो ये बात की हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के नॉर्मली ओवरव्यू के डायग्राम के रूप में हमने देखा कि हमारे पास किस तरह की सेल्स होती है, कैसे कैसे सेल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। आगे बात समझ में कि हाँ हम कोई चीजें पढ़ते हैं लेकिन उसको अगर हमने डायग्राम व्यू से हम अगर चीजों को नहीं देखेंगे तो हमें वो चीजें समझ में नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं सारी चीजें आज क्या है डायग्राम व्यू से लेके आया हूं। इसी तरह से क्या है कि हमने जो सेमेस्टर का पूरा जैसे यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं या जैसे भी हमने पढ़ा है वो एक्सप्लेनेशन के साथ डायग्राम के साथ हमने पूरा का पूरा क्या किया आपको एक्सप्लेनेशन किया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं डिफरेंस को, दोनों के बीच में कैसा कैसा डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। चलिए इंग्लिश में लिखा है तो इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर देता हूं क्या होता है। तो ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है कि यह वह सेल्स होती है जो नॉर्मली यूनिसेलुलर एक ही सेल्स के द्वारा निर्मित होती है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और वह सेल्स जो मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी सेल्स के द्वारा मेम्ब्रेन से बाउंड रहती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल का एग्जांपल आ जाता है, प्लांट आ जाता है, हमारे पास फंजाई आ जाता है, और कौन सी प्रोटिस्टा है वो हमारे पास आता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा आपको दो ही एग्जांपल्स लेके चलने हैं, कौन कौन सा है, तो बैक्टीरिया का और दूसरा कौन सा आपका आर्चिया का। नॉर्मली आप बैक्टीरिया के द्वारा समझते रहिए कि बैक्टीरिया जैसे जैसे होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, प्लांट या एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाली सेल्स है वो कैसी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है। अब बात आता है कि न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में कैसा होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, यह हमने देखा। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है वो आपका कैसा देखने को मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एब्सेंट देखने को मिलता है। अब बात आती है कि एब्सेंट क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो न्यूक्लियर मेंब्रेन होती है, जो यहां पर आपकी कौन सी मेम्ब्रेन्स की बात करें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण हम न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, एब्सेंट कहते हैं, और यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो क्या है आपकी प्रेजेंट रहती है मेम्ब्रेन, तो इसीलिए हमारे पास न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है। अब बात है कि इसके सेल का साइज क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स कितने साइज की होगी, यूकैरियोटिक सेल्स कितने साइज की सेल्स होगी। तो ध्यान देना कि यूकैरियोटिक की सेल का साइज होता है वो कैसा होता है आपके पास, लगभग 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का साइज मिलता है, लेकिन इसका साइज आपको 5 माइक्रो से कम देखने को मिलता है। अगर कोई सेल्स का साइज 5 माइक्रो से कम होता है तो वो प्रोकैरियोटिक होती है, 5 माइक्रो से ज्यादा होता है तो उस सेल का साइज आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। फिर आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशंस, बाकी अंतर आपने पढ़ रखे होंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स रहती है, प्रोकैरियोटिक में मेसोसोम्स रहता है, प्रोकैरियोटिक्स में आप गोल्जी बॉडी एब्सेंट्स रहती है, यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट्स रहती है। तो वो सारे अंतर मैं नहीं लेके चल रहा हूं, मैं यहां पर जो स्पेसिफिक अंतर है जिसको आपने अभी तक कुछ मात्रा में पढ़े नहीं है उन अंतर की यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि हमें क्या क्या अंतर और लिखने हैं। नॉर्मली बेसिकली हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, बेसिक
अंतर हमें पता है, सीधी सी बात एक ही लाइन में कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनिज्म यानी कोशिकांग आपके प्रेजेंट रहते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर वो कोशिकांग है वो क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। तो ये बात ही नहीं रही कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोक्सीसोम लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सब की। तो यहां पर जो डिफरेंस मिले हैं वो क्या है, एक अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक डिफरेंस है। जैसे रेप्लिकेशंस की बात करते हैं तो रेप्लिकेशंस में क्या होता है, यूकैरियोटिक के अंदर हाईली रेप्लिकेशन होता है यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और यहां पर क्या होता है आपका रेप्लिकेशन है वो क्या होता है एंटायर जीनोम्स एट वंस यानी एक ही बार में रेप्लिकेशन कर लिया जाता है। फिर ऑर्गेनिजम्स टाइप है, इसमें मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा यानी बहु कोशिकाओं के द्वारा यूकैरियोटिक आपको ऑर्गेनिज्म बना होगा। प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनिजम्स कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है यानी यहां लिख देते हैं कैसा होता है वो, एक कोशिकीय हमें यहां पर देखने को मिलता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है, और आपका जो बहु कोशिकीय होता है वो कौन सा होता है आपका यहां पर यूकैरियोटिक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा देखने को मिलते हैं यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन आपको वन लॉन्ग सिंगल लूप्स ऑफ डीएनए एंड प्लाज्मिड एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर आपका पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यानी एक से ज्यादा होता है तो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, और एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही सिंगल लूप्स के अंदर प्रेजेंट रहता है तो वो कैसा होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो यहां पर होती है। फिर उसके बाद में कहें तो राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम्स यहां पर कैसा होगा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो आपका 18S राइबोसोम्स मिलेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपको राइबोसोम्स है वो कैसा यहां पर देखने को मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 70S राइबोसोम्स है वो देखने को मिलेगा। अब बात है ग्रोथ रेट के ऊपर कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कितनी होती है, यूकैरियोटिक की ग्रोथ कितनी होती है। ये हमें पता है कि ग्रोथ होती है वो जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म का साइज होगा उसकी ग्रोथ उतनी ही क्या होती है, कम होती है। जितना साइज छोटा उसकी ग्रोथ उतनी ही क्या होती है, हमें ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि एक बैक्टीरिया 5-10 मिनट में पूरे बैक्टीरिया के कॉलोनी को तैयार कर लेता है, लेकिन एक बड़ा ऑर्गेनिज्म प्लांट हो वो 5 या 10 मिनट में कोई भी ग्रोथ करना पॉसिबल उसके लिए नहीं है। तो ध्यान रखना यूकैरियोटिक में ग्रोथ बहुत ही धीरे चलती है, कम होती है ग्रोथ, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ग्रोथ कैसी होती है आपकी, यहां पर ज्यादा ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। ये रहा वो अंतर कि ऑर्गेनल यानी कोशिकांग क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट्स होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में आपके एब्सेंट मिलते हैं। फिर क्या है, ध्यान से सुनना कि एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस, यानी कि कहें कि इसमें क्या प्रेजेंट्स रहता है जो अपने अनुवांशिकी पदार्थों की सूचनाओं को स्टोर करता है। तो ध्यान रखना कि ऑल यूकैरियोटिक हैव दिस एबिलिटी, यानी ओक यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों ही हमें पता है डीएनए प्रेजेंट रहता है, तो डीएनए में अनुवांशिकी सूचनाएं आगे जाएगी, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने का काम चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो करता है। फिर आता है सेल वॉल। अब बात आती है कि सेल वॉल यहां पर कैसी होगी, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक के अंदर आपकी जो सेल वॉल्स होती है वो ऑल सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट्स रहती है, लेकिन सिंपल प्रकार की होती है, किस किस में, प्लांट्स एंड फंजाई के अंदर, कोई ज्यादा डिफरेंस बड़ा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो दोनों में प्रेजेंट रहेगी। साइटोप्लाज्म की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक प्रेजेंट रहेगी। यानी टोटल कहूं तो सबसे कॉमन डेफिनेशन डिफरेंस आपको क्या देखने को मिला कि सेल वॉल दोनों ऑर्गेनिजम्स में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्ली दोनों में है, उसके बाद साइटोप्लाज्म दोनों में है,
क्रोमोसोम्स है वो दोनों के अंदर है, लेकिन उनकी संख्या में डिफरेंस है। न्यूक्लियस है वो यहां पर प्रेजेंट और एब्सेंट के रूप में यहां पर देखने को मिला है। ये आपका हुआ क्या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर, अंतर के ऊपर बातें कि हमारे पास किस तरह से देखने को मिलेगा। कुछ अंतर यहां पर है, जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण क्रोमोसोम्स है वो हमारे पास डीएनए है, सॉरी न्यूक्लियस यानी केंद्र का है, वो हमारे पास एब्सेंट रहता है। फिर उसके बाद में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स यानी कि जो कोशिका केंद्र के साथ जुड़े हुए रहते हैं वो यहां पर एब्सेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डीएनए यहां पर किसमें, प्रोकैरियोटिक में डीएनए आपको कैसा मिलेगा, नग्न प्रकार का यहां पर देखने को मिलता है। और सेल वॉल किसके द्वारा मिली बनी होती है, तो ध्यान रखना पेपिडोग्लाइकोन के द्वारा यहां पर सेल वॉल है वो देखने को मिलेगी। और यहां पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया हुआ, साइनो बैक्टीरिया हुआ, वो यहां पर देखने को आपको दिलेगा। ठीक है, चलिए अब और बात करें कि हम और क्या कह सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर डबल मेम्ब्रेन है वो केंद्र के चारों तरफ प्रेजेंट्स रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है वो प्रेजेंट रहती है, डीएनए इन क्रोमोसोम यानी डीएनए यहां तो नगन था लेकिन यहां पर कैसा होगा, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट्स रहेगा। राइबोसोम का साइज लार्ज होता है और वो अटैचमेंट रहता है किससे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। फिर उसकी बात कहें तो इसमें अलग अलग जैसे सेलुलोज है वो मेन कंपोनेंट होता है, उसके द्वारा मिलकर बना होता है और उसे हम किस में कहेंगे, एल्गी फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर आपका कौन आता है, यूकैरियोटिक सेल्स है वो यहां पर इंक्लूड होती है। चलिए अब आगे बात करें, ये तो था अंतर के ऊपर, अभी और देख लीजिए आपके लिए और अंतर है कि कौन कौन से चीजें कैसे किस तरह से प्रेजेंट्स रहती है, कहां कहां सिंपल प्रकार का, कहां कहां कॉम्प्लेक्स प्रकार का फ्लैजिला है वो यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस के बाद। अब हमारा टॉपिक है वो आता है मेन कौन सा, सेल वॉल, कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, सॉरी एनिमल्स में क्या, कि प्लांट्स में प्रेजेंट रहने वाली जो सेल वॉल्स होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक की हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक की हो, वो किस तरह से मिलकर बनी होती है उनके ऊपर ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे प्लांट के एक सेल्स यहां पर प्रेजेंट है और उसके बाद दूसरी सेल यहां पर प्रेजेंट है, तो उनके बीच में सबसे पहले जो सेल्स बनती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, यहां ध्यान रखना मिडल लैमिना के नाम से जाना जाता है। ये तो है नीचे की आपकी सेल, ये बीच की मिडल लेमिना आ गई, इसके जस्ट अपर साइड्स में आपकी क्या प्रेजेंट है, एक और सेल्स प्रेजेंट है, यानी कहूं तो दोनों सेल्स के बीच में, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये डायग्राम देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिएगा ये हमारे पास क्या है, अलग अलग सेल्स है, जैसे इस सेल्स के बीच में यहां से लेकर यहां के बीच में आपके पास एक सिंपल लेयर्स के रूप में प्रेजेंट्स रहेगी, वो आपके पास यहां पर क्या होती है, एक मिडल लेमिना के रूप में यहां पर स्ट्रक्चर्स है वो काम करती है। ध्यान दीजिएगा इसको कि आपके पास क्या था, मिडल लेमिना पहले, सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट है। अब जैसे ही मिडल लेमिना है, बात आती है कि मिडल लेमिना किसके द्वारा बनी होती है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिडल लेमिना हमेशा फ्रैगमोप्लास्ट से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है, तो फ्रैगमोप्लास्ट ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स में जब सेल वॉल्स का निर्माण होता है तो उस टाइम्स क्या देखने को मिलता है कि छोटे छोटे गोल्जी बॉडी हुआ, आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हुआ, उनके छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो प्लेटनुमा स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहां पर मिडल लेमिना कहते हैं। यानी किसी भी सेल्स में गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े एक जगह इकट्ठे होकर जिस प्लेट का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यहां पर मिडल लेमिना के नाम से जाना जाता है। और यही मिडल लेमिना है जिसके दोनों तरफ हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का निर्माण किया जाता है। और यही मिडल लेमिना है जो क्या करती है, दोनों सेल्स को आपस में चिपकाए रखती है, यानी सीमेंट के लेयर के रूप में, यानी सीमेंट के रूप में काम कौन करती है, आपकी मिडल लेमिना करती है। उसके बाद में हमारे पास आता है प्राइमरी सेल वॉल,
ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इस मिडल लैमिला के जस्ट नीचे ये फाइबर नुमा धागे नुमा आपको एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी। ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स है, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया है, यहां पर प्राइमरी सेल वॉल है, वो नाम दिया है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है वो बनी किसकी होती है, तो ध्यान रखना वो हमारे पास सेलुलोज की मॉलिक्यूल यानी सेलुलोज की कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारे पास किसका निर्माण करते हैं, यहां पर आपका प्राइमरी सेल वॉल्स का निर्माण है वो किया जाता है। अब जस्ट प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या होता है, आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल्स का निर्माण है वो किया जाता है। और जब सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण किया जाता है तो उसमें हेमी सेलुलोज और सेलुलोज दोनों प्रेजेंट रहते हैं और इनकी तीन लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, L1, L2 और L3 के रूप में यहां पर सेल है वो देखने को मिलती है। और जस्ट इसके नीचे आपके पास कौन सा होता है, एक थर्ड लेयर बनती है जिसे सेकंड थर्ड टर्शियरी लेयर्स कहते हैं। और टर्शियरी लेयर्स है वो हमेशा किसके बनी होती है, नॉर्मली पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। यानी टोटल कहूं तो सेल वॉल में क्या होता है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज के माइक्रोफाइबर्स और कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स होती है वो यहां पर जुड़कर ऊपर वाला मिडल लेमिना आपका यहां पर फॉर्मेशन हुआ। टोटल किसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बनाती है, तो एक तो प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण करती है, फिर आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है, सेकेंडरी सेल वॉल में L1 लेयर बनती है, फिर L2 लेयर बनती है, फिर L3 लेयर बनती है और फिर आपके पास टर्शियरी सेल वॉल का निर्माण यहां पर किया जाता है। यानी टोटल इतने प्रकार, इससे जस्ट ऊपर आपकी कौन होती है, मिडल लेयर होती है यानी मिडल लैमिला प्रेजेंट्स रहती है। और ये टोटल मिलाकर किसका फॉर्मेशन किया है आपका यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेल वॉल का निर्माण है वो यहां पर किया जाता है। यानी और सेल वॉल्स के बारे में देखें तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर हमारे पास एक सेल है, दूसरी सेल्स आपके पास यहां पर प्रेजेंट्स है। ध्यान दीजिएगा, एक सेल्स तो आपके पास यहां पर इस जगह पर, यानी सेल नंबर फर्स्ट ये रही और सेल नंबर सेकंड आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बीच में देखिएगा कि यहां पर एक लेयर्स प्रेजेंट है, ब्लैक कलर की लाइंस प्रेजेंट है यहां पर, ये लाइंस आपके पास किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपको मिडल लैमिना के नाम से यहां पर जानी जाती है। और मिडल लैमिना के इस तरफ यहां पर और इस तरफ दूसरी सेल, जैसे सेल नंबर 2 के लिए यहां पर बना, तो ये सेल वॉल के लिए हमारे पास कौन सा होगा, सेलुलोज के द्वारा बना है तो इसे हमने प्राइमरी सेल वॉल नाम दिया, और यहां पर बना है तो इसलिए दूसरी सेल के लिए ये कौन होगी, प्राइमरी सेल वॉल होगी। और फिर इसके साथ साथ यहां पर कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन और है, वो हमारे पास किस लेयर के नाम से जानती है, सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानती है। चलिए यहां से नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, यहां से समझते हैं कि जैसे हमारे पास प्लांट सेल नंबर 1 ये रहा, प्लांट सेल नंबर 2 रहा और प्लांट सेल नंबर आपके पास कौन सा है, 3 है। अब इसके बीच में जो यहां पर आपको बीच में ये लाइन दिख रही होगी कुछ इस तरह से, सेल्स प्रेजेंट है ये लाइन दिख रही है, ये आपके पास कौन सी सेल्स के नाम से जानी जाती है, मिडल लेमिना के नाम से जानी जाती है। और जस्ट इसके पास में ही आपको एक व्हाइट कलर की यहां पर ड्रो लाइन दिख रही है, और ये व्हाइट कलर की ड्रो लाइन है वो कौन सी सेल्स है, आपके पास यहां पर प्राइमरी सेल वॉल के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। और जस्ट इसके जस्ट पास में यहां से देखिए ये लेयर जो बनी है, ये लेयर आपके पास कौन सी है, यहां पर 3 लेयर प्रेजेंट है, प्राइम लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ये लेयर आपके पास हमेशा ही किसके रूप में काम कर रही है, सेकेंडरी सेल वॉल के रूप में काम कर रही है। और सेकेंडरी सेल वॉल के जस्ट इसके जस्ट नीचे एक आउटर लाइन के रूप में आपके पास यहां पर सेल्स है, वो आपके पास हमेशा ही कौन सी सेल्स कहलाती है, टर्शियरी सेल वॉल के नाम से है वो यहां पर जानी जाती है। उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स यहां तक आपको ये सेल वॉल है वो यहां तक समझ में आई होगी कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीजें हैं वो यहां पर प्रेजेंट्स रहती है। नहीं आई तो यहां से समझिए कि हमारे पास ये कोई सेल्स है, ऐसे लग रहा है ना जैसे पता नहीं मैं कहां चल रहा हूं, है ना। चलिए ये हमारे पास कोई सेल्स है,
इनके बीच में यहां पर हमारे पास क्या रहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिडल लैमिला का फॉर्मेशन है वो यहां पर होता है। यानी टोटल देखा जाए तो यहां से लेकर ये दोनों या इन सेल्स के बीच में आपके पास क्या हुआ है, मिडल सेल्स का फॉर्मेशन है वो यहां पर हुआ है। मिडल सेल्स के इस तरफ यहां पर हमारे पास कौन सी सेल बनी, प्राइमरी सेल बनी। इधर भी कौन सी बनी, प्राइमरी सेल वॉल्स का फॉर्मेशन है वो यहां पर हमें देखने को मिला है। जस्ट प्राइमरी के जस्ट नीचे आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, यहां पर भी सेकेंडरी बनती है, यहां पर भी बनती है। उसके जस्ट नीचे टर्शियरी सेल वॉल, इस सेल के लिए यहां पर और इस सेल के लिए यहां पर। यानी टोटल इस तरह से आपको लेयर है वो यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना मिडल मिडल लेयर्स का फॉर्मेशन या मिडल लेमिना का निर्माण आपके पास किसने किया है, आपका फ्रेमोप्लास्ट ने, यानी फ्रेमोप्लास्ट ने किया, जो किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स के द्वारा बना हुआ होता है। उम्मीद करूंगा यहां तक आपने सेल वॉल पढ़ा है, सेल वॉल आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम यहां पर किसके, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के ऊपर। समझ में तो आ रहा होगा ना स्टूडेंट्स, ये जो भी चीजें बताई जा रही है वो सारी आपके लिए कैसी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। जैसे सबसे पहला आया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज मैंने ली सेल वॉल, वहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा हमने ले रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या जो चीजें मेरे द्वारा बोली जा रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा मिलकर बना है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शंस है वो करती है, कैसी स्ट्रक्चर्स आपको वहां पर एग्जाम में बनाकर आनी होती है। जैसे अभी मैंने सेल वॉल में आपको लगभग 4 या 5 ऐसी सेल्स के बारे में बताया जो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी, टर्शियरी के रूप में यहां पर काम कर रही थी। उन्हीं में से आपको कोई एक डायग्राम सेलेक्ट करना और वहां पर एग्जाम में आपको बनाकर आना है। तो अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, तो इसके जस्ट अपर साइड्स में यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ आपका क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म्स यहां पर प्रेजेंट रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर किन किन से मिनी होती है, कैसी स्ट्रक्चर्स होती है, उनके ऊपर एक बार थोड़े से मैं बात कर देता हूं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे पास 3 चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहली चीज तो आती है लिपिड, दूसरा आता है आपके पास कौन सी चीज, प्रोटीन, और तीसरी चीज आपके पास आती है यहां पर कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर क्या चीजें प्रेजेंट रहेगी, आपके पास यहां पर कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट रहेगा। अब आती है लिपिड, लिपिड हमारे पास 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला आती है हमारे पास जो होती है कौन सी, ग्लूकोलिपिड, या सीधा सा कहें तो सबसे पहली आती है हमारे पास ग्लिसरोल बेस्ड लिपिड, और दूसरी आती है हमारे पास यहां पर स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड और ग्लिसरोल बेस्ड लिपिड। ग्लिसरोल बेस्ड लिपिड होती है वो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है हमारे पास वो होती है कौन सी, फॉस्फोलिपिड यहां पर प्रेजेंट रहती है। फिर आपके पास यहां पर कौन सी होती है, आपकी ग्लूकोलिपिड्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। ये आपके पास 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहली होती है आपके पास फॉस्फो स्पिंगोलिपिड, दूसरी होती है आपके पास कौन सी, ग्लूको स्पिंगोलिपिड्स के रूप में यहां पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब टोटल मैं कहूं तो ध्यान दीजिएगा लिपिड यहां पर लगभग 50% लिपिड है वो यहां पर प्रेजेंट रहता है, और लगभग 49 के करीब आपके पास प्रोटीन रहता है, और 1% के करीब आपके पास यहां पर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन्स है वो हमारे पास 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपके पास पेरिफेरल प्रोटीन, दूसरा होता है आपका पास यहां पर पेरिफेरल के बाद में इंटरनल प्रोटीन यहां पर प्रेजेंट रहता है, और तीसरा होता है आपके पास यहां पर लिपिड के साथ लिंक्ड हुआ प्रोटीन, लिपिड लिंक्ड
प्रोटीन, ये तीन प्रकार के प्रोटीन्स हैं वो रहते हैं, यानी पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल बोल सकते हो, इंटरनल बोल सकते हो, और तीसरा होता है लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली आपके पास कितना 1% के रूप में यहां पर प्रेजेंट से रहता है। अब बात आती है कि हमारे पास लिपिड होता है तो वो ग्लाइकोलिपिड होगा, स्फिंगोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लूकोलिपिड, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड या ग्लूकोस्फिंगोलिपिड, वो तो उनके अलग अलग टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया, उनको एक बार छोड़िए। यहां पर ध्यान दीजिए कि लिपिड्स जो होता है वो दो प्रकार से, दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है उसमें हेड पार्ट और दूसरा उसमें कौन सा होता है आपका टेल पार्ट, यानी ये भाग तो आपका हेड होता है, दूसरा भाग है वो आपके पास कैसा होता है टेल भाग का होता है। जो भाग आपके पास यहां पर हेड होता है वो हमेशा ही ध्यान रखना आपका हाइड्रोफिलिक नेचर्स का होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो हमेशा ही कैसा होता है आपके पास यहां पर हाइड्रोफोबिक रूप में यहां पर क्या होता है आपके पास प्रेजेंट से रहता है। अब जो हेड पार्ट है वो ध्यान रखना किसके द्वारा मिलकर बना होता है, तो वो या तो आपके पास कोई ग्लिसरॉल हो सकता है, या फिर आपके पास यहां पर क्या होगा, या तो वो आपके पास ग्लिसरॉल के द्वारा मिलकर बना हो सकता है, या फिर आपके पास वो कैसा हो सकता है स्पिंगो के द्वारा मिलकर बना हो सकता है। लेकिन जो टेल पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है फैटी एसिड की एक लंबी चेन के द्वारा मिलकर बना होता है। ये फैटी एसिड चेन है वो आपके पास दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन सी होती है, पहली होती है आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है, और दूसरी होती है आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो यहां पर मिलता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब है कि वो फैटी एसिड जिसमें क्या होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन यहां पर आपके पास क्या देखने को मिलता है कि डबल हो, या फिर यहां पर कैसा हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड कहलाता है, यानी जिस कार्बन की लंबी चेन के अंदर आपको सिंगल और डबल लेयर देखने को मिलता है उन्हें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, जो क्या बनाता है लिपिड के अंदर टेल का फॉर्मेशन करता है। अब थोड़ी सी आपने स्ट्रक्चर पे बिलीव किया तो ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लंबी बनाई है पूरी, और दूसरी स्ट्रक्चर को कुछ ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं विकलांग आदमी या लंगड़ा आदमी खड़ा रहता है ना एक पैर से ऐसे टेढ़ा होके, तो वैसे बनाए, तो ध्यान रखना जो स्ट्रक्चर सीधी बनी है वो तो हमारे पास कैसी होती है सैचुरेटेड प्रकार की होती है, और जो एकदम ऐसे घूमी हुई स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास कैसी होती है अनसैचुरेटेड प्रकार की होती है। जो सैचुरेटेड होती है उसमें सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, जो यहां पर थोड़ी सी झुकाव ली हुई है वहां पे अनसैचुरेटेड है, क्यों, क्योंकि उस जगह जहां पर ये झुकाव आया है उस जगह पर हमने क्या है या है वहां पर स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो यहां पर किया हुआ रहता है। आरियों की बात समझ में। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि जो हेड पार्ट है वो आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है यानी जल से स्नेह करने वाला होता है, जो टेल पार्ट है वो जल विरागी के रूप में यहां पर प्रेजेंट से रहता है। ये सारी चीजें होने के बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर उस कार्बन की इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझिएगा कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। तो ध्यान रखना सबसे पहले हम लिपिड्स के ऊपर बात करेंगे, जहां जहां लिपिड्स होगा उसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन सी लिपिड होती है वो यहां पर प्रेजेंट से रहती है। सबसे पहले एक चीज बताऊं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां से ध्यान से देखिएगा कि जो ये रेड कलर की लाइनें आपको डॉटेड दिखाई दे रही होगी ये आपका सबका क्या प्रेजेंट है लिपिड का हेड पार्ट प्रेजेंट है, और बीच में ये नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है उसे कोई हमने क्या नाम दे दिया यहां पर हेड पार्ट दे दिया, यानी जो आउटर रेड कलर और रेड कलर की जो लेयर्स का फॉर्मेशन हो रखा है दोनों तरफ वो स्ट्रक्चर आपका हेड है, और बीच के अंदर ये जो पार्ट बन रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कैसा बन रखा है आपके पास है टेल नोमा स्ट्रक्चर। चलिए यहां से समझ में नहीं आएगा तो यहां से थोड़ी कुछ मात्रा में समझ में आ जाएगा कि कैसी स्ट्रक्चर से आपके पास यहां पर प्रेजेंट रहती है। तो ध्यान देना कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास कैसा है हेड है, ये नीचे वाली स्ट्रक्चर है ये भी आपके पास कैसी स्ट्रक्चर है हेड है, लेकिन ये बीच में जो लाइन है वो आपके पास दोनों की किसका फॉर्मेशन किया है टेल का फॉर्मेशन यहां पर किया है। अब बातें हैं कि हमारे पास और क्या क्या प्रेजेंट है, हेड हो गया टेल हो गया, और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहां पर जो आपके पास
लिपिड्स होती है वो कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली लिपिड ध्यान रखना कि हमारे पास ये लिपिड्स की लेयर जो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, और ये जो एक मॉलिक्यूल्स यहां पर बनाया है वो कौन सा बनाया है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है वो यहां पर बनाया है। ये जो टेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, क्यों, क्योंकि ये जल विरागी होता है, जल से दूर जाने वाला यहां पर होता है। उसके बाद में और बात करें कि हमारे पास और कौन कौन सा है, तो ध्यान रखना कि हमारे पास और है जो ये हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है, यानी जो हेड है रेड कलर वाला वो कैसा है आपके पास है, हाइड्रोफिलिक्स के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दो लिपिड्स की लेयर, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर हेड पार्ट होता है नीचे भी हेड पार्ट होता है, बीच में टेल पार्ट है वो प्रेजेंट आपका रहता है। इसके बाद में हमने बात की प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट्स रहती है वो प्रोटीन होती है, और एक जो बीच के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है वो रहती है। जो सरफेस वाली प्रोटीन होती है उसे सरफेस प्रोटीन भी कह सकते हैं, जो एक बाहर और नाम लेते हैं उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से भी जाना जा सकता है। जो बीच में प्रोटीन होती है उसे इंटीग्रल प्रोटीन या फिर क्या कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के नाम से है वो यहां पर हम जानते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास तीसरी प्रोटीन आई थी, वो प्रोटीन कौन सी थी कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, जो ग्लूको प्रोटीन्स है वो यहां पर किसके द्वारा जुड़ी हुई है आपस में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्ट्रक्चर्स आपको ग्लूकोज के यानी उस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ी हुई प्रेजेंट्स है। अब यहां देखो इसने क्या किया, इंटीग्रल प्रोटीन नाम दे दिया, ग्लोबुलर प्रोटीन नाम दे दिया, और यहां पर भी आपका क्या नाम दिया है, ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि ये कौन सी प्रोटीन है, अंदर की तरफ दसी हुई प्रोटीन से प्रेजेंट है। अब यहां पर ध्यान रखना एक नाम दिया है प्रोटीन चैनल्स या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसमें से क्या होता है मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करता है, यानी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा अपर सेल वॉल से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से कहां पर आएगा सेल वॉल की तरफ, मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम है वो यहां पर किया जाता है। फिर आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, तो ध्यान रखना कि ये जो बीच में येलो कलर की डॉटेड लाइन है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जो यहां पर क्या होता है आपके पास प्रेजेंट रहता है। आगे होगी बात समझ में कि हमारे पास यहां पर ये देखिए यहां पर क्या होता है आपके पास लिंक्ड होता है, कौन सी चीजें कार्बोहाइड्रेट है वो यहां पर प्रेजेंट है, और ये बीच में अल्फा हेलिक्स प्रोटीन्स के रूप में आपके पास क्या होती है यहां पर पेरिफेरल प्रोटीन्स के रूप में स्ट्रक्चर्स है वो यहां क्या है आपकी प्रेजेंट है। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी, यानी यहां देख लीजिए ग्लूकोलिपिड्स है वो प्रेजेंट है, ग्लोबुलर कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स है वो यहां पर निकले हुए, कुछ कोलेस्ट्रॉल की प्रोटीन्स है वो यहां पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स प्रेजेंट्स है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, तो यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं वो प्रेजेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीजें प्रेजेंट, किस तरह से प्रेजेंट है, तो ध्यान दीजिए कि फॉस्फोटाइडल सेरिन्स, यानी ये फॉस्फोटाइडल जो सेरिन्स होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आपका यहां पर क्या होता है, एक प्रकार का लिपिड्स होता है, ठीक है, फॉस्फेट के साथ जब सेरीन जुड़ जाता है तो उसे फॉस्फोटाइडल सेरीन बोलते हैं, फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल प्रेजेंट है, फॉस्फोटाइडल एथेनॉल एमीन प्रेजेंट है, फॉस्फोटाइडल कोलीन है वो यहां पर प्रेजेंट है, और फॉस्फिंगोसिन लिपिड प्रेजेंट है। यानी टोटल आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये आपका हेड पार्ट है, यहां पर आपका क्या बना है हेड पार्ट बना है, ये जितना भी बीच का यहां से लेकर ये रीजन्स है वो कौन सा है आपका टेल रीजन्स है, और बीच बीच में ये मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं उनको आप क्या कहते हो कोलेस्ट्रॉल कहते हो, और ये कोलेस्ट्रॉल्स क्या करता है कौन सी प्रोटीन के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है लिपिड के साथ, तो ध्यान रखना कि जो स्फिंगोमाइलिन लिपिड्स होती है उनके साथ सबसे ज्यादा अटैच रखने का काम है वो किसका होता है यहां पर कोलेस्ट्रॉल्स का प्रेजेंट रहता है, और ये एक लिपिड्स होती है वो क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के रूप में यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट है। अब आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का वर्क क्या होता है, फंक्शन कैसे करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके ऊपर बात करते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां से देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर
मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं, सबसे पहला ट्रांसफर्स कौन सा होता है, तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि बिना किसी एनर्जी के, बिना कुछ किए मॉलिक्यूल्स क्या कर जाता है, एक लेयर से दूसरे लेयर, यानी साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ, सेल वॉल से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफर कर जाता है। इनमें सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके गैसेज होते हैं, और फिर होते हैं आपके कौन से मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको जल्दी से इजीली ट्रांसफर यहां पर कर दे जाते हैं। जैसे गैस को एक बार मान के चलिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है गैस का जिसमें क्या हुआ है, सिंपल डिफ्यूजन हुआ है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, O2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और वो जल्दी से क्या कर जाते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनमें बैरियर के रूप में काम नहीं करते, उन्हें क्या कहा जाता है, हम सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास दूसरे टर्मिनोलॉजी से, हम कहते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो वह डिफ्यूजन जिसमें किसी न किसी प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डिफ्यूजन का मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, यानी यहां पर भी क्या है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर भी क्या है लो कॉन्सेंट्रेशन, तो किसी मॉलिक्यूल्स का हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन उसी डिफ्यूजन में किसी प्रोटीन्स को कैरियर के रूप में काम करना, यानी ये प्रोटीन कैरियर के रूप में काम कर रही है, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के नाम में दे दिया है। उसके बाद में आता है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों कौन से होते हैं आपके, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, ध्यान रखना इनमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूज नहीं होता। लेकिन अब आता है हमारे पास कौन सा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या सीधी सी बात कहूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रकार का। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से उसको कहां पर भेजा जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजा जाएगा। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो उसमें एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है तो वो कौन सा हो गया आपके पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है तो वो कौन सा हो गया आपका, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के रूप में यहां पर काम करता है। अब बात आती है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की मॉलिक्यूल को भेजा है। लेकिन अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है वो ध्यान देना, किसी मॉलिक्यूल्स को अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान रखना किसी मॉलिक्यूल को किससे, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसको कहां पर भेजा जाता है, जब उसको लो कॉन्सेंट्रेशन में भेजा जाता है तो वो कुछ एनर्जी का क्या करता है यहां पर, रिलीज करता है। आर्यो की बात समझ में, जब उसको हाई से लो की तरफ भेजा जाएगा तो वो अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, और इसी रिलीज हुई एनर्जी का यूज कौन करेगा, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से जिस मॉलिक्यूल को हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है वो इस एनर्जी का यूज करेगा, और किसी मॉलिक्यूल को क्या भेज देगा, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेज देगा, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तरफ ट्रांसपोर्ट होता है और उसमें सिर्फ एक बार एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी काम में लिया जाता है, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बाहर से हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन क्या किया जाएगा, सीधा ट्रांसफर होगा तो क्या किया जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहां पर देखें तो डिफ्यूजन हुआ तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां भेज रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन में भेज रहे हैं, तो हाई से जब कोई मॉलिक्यूल लो में आता है तो यहां पर वो क्या करता है आपको पता है, एनर्जी को रिलीज करता है, और जैसे ही एनर्जी को रिलीज किया अब इस एनर्जी को कौन यूज करता है, जो मॉलिक्यूल अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से कहां जा रहा है, हाई मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, यूज कर लेता है और यूज करके वो ट्रांसफर कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी सीधी सी बात कहूं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है तो दूसरा मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, तो इसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन
की तरफ जाएगा और इसमें एटीपी का यूज होगा। फिर उधर देखा जाए तो सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो कोई मॉलिक्यूल्स बिना किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर हुए सीधा मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर देती है तो उसे सिंपल डिफ्यूज कहते हैं, और किसी प्रोटीन की हेल्प से वो ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरी बातें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, किस तरह का फंक्शन है वो यहां पर होता है। अब आते हैं हम आगे अपने न्यूक्लियस के ऊपर कि न्यूक्लियस में हमें क्या क्या चीजें दिख रही होगी। हमने ये चीजें देख ली है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर, लेकिन कुछ बातें न्यूक्लियस पूरा एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, कि सबसे बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोलस होता है, और इस यही न्यूक्लियोलस है वो पूरे सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसके अंदर बीच में हमारे पास क्रोमेटिन जो डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बनती है यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे न्यूक्लियर पोर, और इन्हीं न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साथ जुड़ा हुआ रहता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी ये न्यूक्लियर इनवलप है आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के साथ कौन जुड़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जुड़ा है, इनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उन्हें हमने किस नाम से जाना जाता है, यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, और न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड मटेरियल है उसको हमने किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से, वो यहां पर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए एक प्रकार का न्यूक्लियस की सेल्स को मैंने लिया है कि न्यूक्लियस के अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स है वो हमें यहां पर प्रॉपर तरीके से यहां पर क्या होती है हमें दिखाई देती है। फिर आगे चलते हैं हम, लास्ट हमारे पास है वो है हमारा कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, जिस पे नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। गोल्जी बोर्ड की तरफ देखा जाए तो सबसे पहले सिस, फिर हमारे पास मिड, और फिर हमारे पास कौन सी होती है, ट्रांस गोल्जी के रूप में यहां पर प्रेजेंट रहता है। यहां पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट आपका यहां पर प्रेजेंट रहता है। ये आपका कौन सा भाग है, न्यूक्लियोलस भाग है। ये आपके पास कौन सा है, न्यूक्लियर इनवलप है। यहां पर न्यूक्लियर आपकी पोर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें, और ये सारा लिक्विड है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म के नाम से है वो यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाना जाता है। उम्मीद है यहां तक है। लास्ट है हमारा कौन सा, आपका क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, कि क्लोरोप्लास्ट की सबसे बाहरी लेयर आउटर लेयर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर्स हम बनाना चाहें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास सबसे बाहर की तरफ एक इस तरह की स्ट्रक्चर आउटर मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, और ये जो होती है वो कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। अब सबसे बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर यह आती है कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है वो नेचर की कैसे होती है, किस तरह का उनका नेचर होता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इनका माइटोकॉन्ड्रिया हो, ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट हो, इन दोनों का जो ओरिजन होता है, ओरिजन किस मेथड से होता है, तो ध्यान रखना एंडोसिम बायोसिस मेथड से यहां पर ओरिजन है वो होता है। एंडोसिम्बायोसिस का मेथड का मतलब है कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल आपस में मिलती है और मिलकर किसका निर्माण करती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण है वो यहां पर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है वो इनर मेम्ब्रेन ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म से, या कहूँ ऐसा कोई उसमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, अंदर की तरफ इस तरह से ओवरलैप करना है वो क्या कर देती है, आपकी स्टार्ट कर देती है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की सेल्स के अंदर आपका क्या देखने को मिलता है कि एक ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती है, और वो प्रोटीन्स जब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही होती है उस टाइम आपकी वो प्रोटीन्स है वो वहाँ पर आती है, और यहाँ से उस मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है उनको क्या कर देती है, कट कर देती है, और कट करने के बाद में आपके पास जो स्ट्रक्चर्स बनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कैसी बनती है कि इस तरह से वो प्रोटीन्स हो जाती है, और अंदर की तरफ एक छोटे नुमा इस तरह से आपके पास एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें एक को ही हम क्या कहते हैं आपका यहाँ पर थैलोफाइटा के नाम से है वो जाना जाता है, यानी इसे हम क्या कहते हैं,
फाइटा है वो कहते हैं, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके पास क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा कि ये रही, ये थैलेकोइड्स है हमारे पास, ये पूरे स्ट्रक्चर ग्रेना है, बीच का मैट्रिक्स भाग होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ग्रेना भाग को आपस में जोड़ने का नाम स्ट्रोमा लैमेला करता है, इन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट यूनिट के थे, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जहाँ पर हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड्स के ऊपर, जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी मटेरियल्स के ऊपर बातें हैं वो हमारी रहेगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।